सो हेलो गाइज, नमस्ते, राम राम, गुड मॉर्निंग। तो कैसे आप लोग, सभी ठीक हो गए, तो मस्त हो गए। तो गाइज, आज है महाशिवरात्रि, तो सभी को मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से हैप्पी महाशिवरात्रि। एक मिनट रुक रही, अभी तबीयत मेरी वैसे ठीक हो चुकी है भोलेनाथ की दया से। तो अभी बस घर वाले बना रहे हैं लड्डू, ये लड्डू बना दिए है, किस चीज़ के लिए तो भूल गया मैं, चुनाई के ना जी, चुनाई के लड्डू बना दिए। देखो भाई साहब, इस साइड ओहो। तो गाइस, ये लड्डू बन रहे अभी तो, ये बस गाइस देखो, धुंध भी पड़ गई आज, पता नहीं क्यों इतनी गर्मी के टाइम में भी धुंध। अरे इतनी गर्मी टाइम में धुंध क्यों पड़ गया, देखो। और ये तो कोई मतलब टाइम ही नहीं धुंध का जो धुंध पड़ गई। अरे मम्मी धुंध का पता नहीं। अरे भाई के बेरा हमने के बहुत भगवान ले लिया। और इतना देर हो तो अपना धुंध क्यों पड़ा है, ये क्यों नहीं हो, क्यों नहीं हो रही है, आने के हो ये देखिए, उन देखने ले हैं, नो ले रे जरा, पूछने भी आवती है लड्डू। लड्डू पूछने आवे बुझते को नहीं है अत्ते को नहीं सुने। सो तो आज जा रहा हूँ मैं उनको लेने, क्योंकि मेरी अभी तबीयत ठीक हो चुकी है। तो बोले बाबू बुला रहा है मेरे को उनको लेने के लिए, तो रोहित के साथ चलेगा बाइक पे। अरे बाइक उल्टी क्यों ले रहा है यार, चल तो सीधा। सो गाइस, मैं और रोहित, रोहित दोनों रोहित रोहित जा रहे हैं, चलो चलते हैं। चलो गाइस चलते हैं लेने उनको, देखते कहाँ मिलेंगे। सो गाइस, अभी हम रुके हैं यहाँ पे, ये पाइप किनारे लगवा रहे हैं, क्योंकि बिना पाइप के उसमें ना कोई मजा से नहीं आया साउंड में। तो अब चेक करना साउंड कैसा आएगा। तो गाइस अब चेक करो, आया मजा, एक बार करो आवाज, आवाज करवा, अभी हम रुके पेट्रोल डलवाने के लिए, पेट्रोल डलवाते हम सीधा चले गए। आप लोग बस इंजॉय करना, डाक कॉड कैसी है लोग, मतलब रास्ते में बहुत सारी डाक मिलेगी तो सबको दिखाऊंगा मैं, ठीक है।
सो गाइस घर पे मैं आ गया हूँ और अभी खा रहा हूँ मैं सेब, की भूख लगी हुई है। सुबह बस एक रोटी खा गया था तो अभी सेब खाता हूँ बैठ के। साइड तो मम्मी लेटी हुई है, उस साइड से चलते हैं। सो गाइस नीचे बैठ गया हूँ और बहुत मज़ा आया यार वहाँ पे डाक लाने में, डाक आउट सच में मज़ा आ जाता है। मैं हर साल जाता हूँ, हरिद्वार तो मैं जा नहीं पाता क्योंकि घर के नहीं भेज सकते वहाँ पे, तो बस इनको रास्ते में लेने जाता हूँ। कितने ही बहुत है यार, हमारे घर के जाने नहीं देते वहाँ पे, तो बस अभी सेब इंजॉय करते हैं, अपनी भूख लगी हुई है। सो गाइस सेब ख़त्म हो चुकी है, बस अभी थोड़ी देर ना आराम कर लेता हूँ क्योंकि गाल या मतलब शरीर रहना पूरा दुख रहा है मेरा। सुबह सुबह चला गया था ना उठ के, तो अभी बस थोड़ी देर सो जाता हूँ, फिर मिलता हूँ आपको, ठीक है। इतना देखता हूँ बच्चा बाल्टी है तो नहीं कोई, अरे बच्चा बाल्टी तो कोई नहीं, सभी सो रहे लगता है, सो मम्मी सोते हैं।